घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? कौन मारना चाहता है पुष्पा को? आखिर क्या बताया गया था पुष्पा को? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब हमें तो पता ही है पुष्पा द राइज में कितना बड़ा सस्पेंस छूट गया है, जिसके चलते फैंस को रोका नहीं जा रहा। पुष्पा द रूल के लिए भाई, पुष्पा द राइज फिल्म का एंड देखकर तो इतना पता लग ही जाता है कि आने वाली पुष्पा द रूल फिल्म काफी जबरदस्त होने वाली है, जिसमें पुष्पा को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। रेड सैंडलवुड के चलते कुछ होंगे पुराने दुश्मन तो कुछ नए, जिनके हिंस हमें पुष्पा द राइज में देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने मेरी थ्योरी में बताया कि जॉली रेड्डी पुष्पा से बदला लेने के लिए शिवल्ली को अपना बनाने की कोशिश करेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो पुष्पा द रूल में पुष्पा शिवल्ली के सामने जॉली रेड्डी में बहुत बेइज्जती कर देती है, जिसका रिवेंज लेने के लिए जॉली रेड्डी कब से तरस रहा था, और अब वो ठीक होने के बाद उसका अगला कदम वही होने वाला है। जब जॉली रेड्डी पुष्पा के घर शिवल्ली को किडनैप करने जाता है तो पुष्पा के एब्सेंस में तो तभी घर पर पुष्पा का सौतेला भाई आया होता है पुष्पा की माँ से माफी मांगने के लिए, और पुरानी सारी बातें भुलाकर माफी मांगने लगता है। और जॉली रेड्डी को पता चलता है कि शिवल्ली घर पर नहीं है, वो उसके पिता के घर पर गई हुई है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो उसे अंजाम देता है। जॉली रेड्डी पुष्पा की माँ को गला घोट कर मार देता है। जैसे पुष्पा का सौतेला भाई उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मौत के घाट उतार देता है। अब पुष्पा की माँ और भाई मर जाते हैं, तभी पुष्पा वहां पर आ जाता है और ये सब देखता है तो जॉली रेड्डी उसे झूठी कहानी सुनाता है कि जब जॉली रेड्डी पुष्पा के घर रेड सैंडलवुड के लकड़ियों के पैसे देने आया था तभी उसने सौतेले भाई को माँ को मारते हुए देखा और जॉली रेड्डी ने भाई को मार दिया। पुष्पा बबूला हो जाता है और जाकर मुलाती परिवार पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ मुलाती परिवार के सदस्यों को लगता है कि पुष्पा ने अपने सौतेले भाई को मार दिया है, इसलिए जब पुष्पा वहां पहुंचता है सभी परिवार के मर्द पुष्पा पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, पुष्पा जब जेल में चला जाता है तभी मंगलम, श्रीनू, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी सभी एक हो जाते हैं, और असल में ये एक प्लान शेखावत का ही होता है जिसमें पुष्पा फंस जाता है। तो आपको क्या लगता है, पुष्पा कैसे निकल पाएगा इस भवंडर से? क्या होगा पुष्पा का अगला कदम? क्या चाल चलेगा पुष्पा? आपको क्या लगता है जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर है पूजा।